हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका गैस चूल्हा धप धप की आवाज़ करे तो आप इसे कैसे ठीक करेंगे। धप धप करने के बहुत सारे कारण होते हैं, जो कि मैं आज कुछ कारण आपको बताने वाला हूँ कि क्यों इस तरह की प्रॉब्लम आती है। सबसे पहला हमारा कारण बर्नर है। अगर हमारा बर्नर चारों तरफ से फटा हुआ हो तो इससे धप धप की आवाज़ आती है। दूसरा कारण यह है कि अगर हम गैस चूल्हे पर बर्तन यानी छोटा कोई बर्तन अगर हम चढ़ाते हैं जो कि इस बर्नर के ऊपर में बैठ जाता है, इससे भी हमें प्रॉब्लम आती है। कि मैं भी आपको दिखाता हूँ, हमारा ये एक छोटा कटोरी है। अगर हम इस कटोरी को इस काले वाले स्टैंड पर अगर हम बैठाते हैं और हमारा बर्तन स्टैंड पर ना बैठकर अगर ये बर्नर पर बैठता है जिससे कि जलने में प्रॉब्लम आती है, तो भी हमारा चूल्हा धप धप की आवाज़ करेगा। अगर बर्तन छोटा हो तो किसी जाली के ऊपर में रख कर रखें ताकि हमारा बर्तन बर्नर के ऊपर ना बैठे। तीसरा कारण हमारा या नीपल है। अगर नीपल का छेदा बड़ा हो, ज़्यादा बड़ा होल का हो जिससे गैस बहुत ज़्यादा निकलती हो, तो भी धप धप की आवाज़ आती है। चौथा कारण हमारा यह है कि अगर बर्तन और बर्नर के बीच का जो गैप है वह बिल्कुल कम हो जिससे कि हमारा फ्लेम पूरी तरह से ऊपर उठ नहीं पा रहा हो, तो भी धप धप की आवाज़ आती है। अब मैं आपको दिखा दूं कि बर्तन और बर्नर के बीच में कितना गैप होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा बर्नर और बर्तन के बीच में कितना गैप है, जो कि यह बिल्कुल सही है। अगर फिर भी अगर आपको अपने गैस चूल्हे के बर्तन और बर्नर के बीच का गैप को अगर बढ़ाना हो तो मैं भी इस वीडियो में आपको अभी बताने वाला हूँ कि बर्नर और बर्तन के बीच के गैप को आप कैसे बढ़ाएं। अब मैं आपको बता दूँ कि इस चूल्हे में क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं आपको चूल्हे को जलाता हूँ। तो आप अभी देख सकते हैं कि हमारा चूल्हा अभी कम किया हुआ है। अब मैं इसे तेज करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये चूल्हा बहुत ही ज़्यादा लौ दे रहा है और बर्नर के बीच वाले हिस्से से यह धप धप की आवाज़ आ रही है। तो आइए अब हम जानते हैं कि हम इसे कैसे ठीक करेंगे। तो अब हम चूल्हे के स्टैंड और बर्नर को हटा लेंगे। उसके बाद गैस चूल्हे को हम उल्टा करेंगे। अब हम मिक्सिंग ट्यूब के नट को खोलेंगे। हमारा प्रॉब्लम बड़े वाले में है। हमारा जो बर्नर है वह बिल्कुल सही है क्योंकि वह नया है, और बर्नर और बर्तन के बीच का जो गैप है वह भी सही है। अब हम इसके नीपल को चेक करेंगे कि हमारा ये नीपल सही है या नहीं। अगर नीपल का होल बड़ा हो तो इससे भी यह प्रॉब्लम आती है। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा ये जो नीपल का होल है वह बहुत बड़ा है जिससे कि बहुत गैस निकल रहा है और फ्लेम भी बहुत ज़्यादा दे रहा है। अब हम दूसरे नीपल को लगाएंगे तो हम देखते हैं कि इसका जो होल है पहले वाले नीपल की अपेक्षा कम है, तो जिससे कि हमारा ये जो फ्लेम है पहले वाले निपल की अपेक्षा कम देगा और बर्तन रखने पर जो धप धप की आवाज़ आ रही थी वह अब नहीं आएगी। अब हम निपल को अच्छी तरह से टाइट कर देंगे ताकि हमारा गैस साइड से ना निकले। अब हम मिक्सिंग ट्यूब को टाइट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर बर्नर और बर्तन के बीच के गैप को बढ़ाना हो
तो आप कैसे बढ़ाएंगे? हम इस तरह के नट ले सकते हैं, इस तरह के एक या दो नट लगाकर हम इस नट में टाइट करेंगे, जिससे कि हमारा मिक्सिंग ट्यूब नीचे की ओर आ जाएगा और बर्नर और बर्तन के जो बीच का गैप है वह बढ़ जाएगा और गैप की वजह से होने वाली प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। अब मैं इस मिक्सिंग ट्यूब को फिट करूंगा और उसके बाद मैं आपको जलाकर दिखाऊंगा कि हमारा ये गैस ओवन किस तरह से जल रहा है। अब हमारा गैस ओवन सेट हो चुका है। अब हम इसमें इसके बर्नर और स्टैंड को सेट करेंगे। अब मैं आपको गैस ओवन जला कर दिखाता हूँ कि हमारा जो प्रॉब्लम था वह समाप्त हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो फ्लेम है वह कम किया हुआ है। अब मैं इस फ्लेम को धीरे धीरे बढ़ाता हूँ तो हम देख सकते हैं कि हमारा ये जो फ्लेम है पहले की अपेक्षा कम दे रहा है और बर्नर के बीच वाले हिस्से से धब धब की आवाज़ आ रही थी वह अब नहीं आ रही है, जो कि नीपल के कारण हो रहा था, क्योंकि नीपल का होल जो था वह बहुत बड़ा था जिससे कि बहुत मात्रा में गैस निकल रही थी। तो आप भी अपनी इस प्रॉब्लम को घर बैठे इस वीडियो की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।